पुलिस की बात कहें तो पुलिस ने हमें पहले दिन से ही धोखा दिया था, मिसगाइड किया था। ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि उसने हमें मिसगाइड किया, हमें उन अपराधियों के नाम नहीं लिखने दिए रिपोर्ट में, और वो नाम ना लिखना ही हमारे लिए सबसे बड़ी कमजोरी हो गई। वो पुलिस का ही एक प्लानिंग थी कि हमें नाम नहीं लिखने देना किसी भी सूरत में। उन्होंने हमसे कहा 24 घंटे के अंदर आपका बेटा आपको देंगे, नाम मत लिखिए, आपको बेटा चाहिए कि आपको नाम लिखना है। मैंने कहा मुझे बेटा चाहिए, नाम नहीं लिखे मैंने। और उसके बाद लगातार वो यही कोशिश करते रहे किसी सूरत हमें परेशान किया जाए, मतलब सवाल हमसे कर रहे थे ना कि अपराधियों से करने के बजाय। और पूरे जितने टाइम भी केस पुलिस के पास रहा, पुलिस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उलझाए रखा तरह तरह की बातों से। उसके बाद केस क्राइम ब्रांच के पास गया, क्राइम ब्रांच से हमें बड़ी उम्मीद थी, लेकिन क्राइम ब्रांच भी किस दबाव में थी हमें समझ में नहीं आया कि उसने काम क्यों नहीं किया। सारा देश जानता है कि क्राइम ब्रांच को ऊपर से ऑर्डर थे केस को करना ही नहीं, सॉल्व करना ही नहीं था, उन्हें तो सिर्फ केस को घसीटना था। 6 महीने तक केस घसीटा और उसके बाद कोर्ट ने केस जो है सीबीआई को दिया, और रही सही कसर सीबीआई ने पूरी कर दी। सीबीआई केस क्लोज क्या करेगी, केस को उसने खोला ही नहीं था जो क्लोज करती। तो सबको पता है ये किसके दबाव में हुआ है, ये हुकूमत के दबाव में हुआ, क्योंकि हुकूमत अपराधी जो है वो अपराधियों को रिश्तेदार है, हुकूमत एबीवीपी के गुंडे हैं, वो उन्हें बचाने में पूरी तरह से लगी हुई थी। लेकिन वो ये सोच रहे हैं बच गए, वो बचे नहीं हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा वो ज़रूर एक दिन सीचों के पीछे होंगे जेल के अंदर। फैमिली तो हमारी पूरी तरह से बिखर गई है। आपने खुद देखा नजीब के इस केस के बाद हमारे साथ मुजीब घूमता रहा, जबकि उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी एमटेक की, और वो लगातार मेरे साथ दौड़ रहा था क्योंकि घर में कोई नहीं था, हंसी पढ़ाई चल रही थी। उसकी बीमार बाप घर में और छोटी बहन थी, वो मेरे साथ रहता था और हंसी पढ़ाई कर रहा था। और देखिए घर की परेशानियाँ मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, वो सिर्फ झेली हैं हमने, और वो झेल के ही महसूस की जा सकती हैं, लफ्ज़ों में बयान करके उसका कोई मकसद मतलब नहीं है। जो लोग हमारे साथ खड़े थे, जिन लोगों ने हमारी लड़ाई लड़ी, जो लोग आज भी हमारे साथ खड़े हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं उसमें, जैसे मेरे साथ कहीं कैंटीन में जा रहे हैं तो उन्होंने उसका बिल अदा कर दिया, कोई ऑटो में जा रहा है उसने उसका बिल अदा कर दिया इस तरह से। और घर में हमारे थोड़ा बहुत जो कुछ था रखा था बच्ची के लिए, हिसाब किताब बना के उसको ख़त्म कर दिया कि अब अल्लाह वाले के आगे ज़रूरत है तो किसके आगे हाथ फैलाते। सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरी औलाद मेरे साथ नहीं है, और बस यही दुआ रहती है हर वक्त लफ्ज़ों में, दो ज़ुबान पर, कि बस नजीब जहाँ भी हों खैरियत से हों, जल्दी से घर आ जाएं।